हेलो एवरीवन, माय नेम इज शशि कुमार कंडले एम परशु कुमार फाइनल ईयर एफएम व्यूअर्स। यार आज सुबह का बहुत अच्छा धूप उग चुका है, आप देख सकते हो। और मैं आज सोचा हूँ कि एक ब्लॉग बनाऊंगा आपके लिए। मैंने नीट यूजी कैटेगरी में बहुत सारा वीडियो बनाया, लेकिन आज एमबीबीएस पे एक ब्लॉग बनाएंगे कि एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट का लाइफ क्या होता है। यार मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होता है, क्योंकि सुबह 8 बजे से जो क्लास शुरू होता है वो क्लास जाके ख़त्म होता है 5:30 बजे, और उसके बाद हम लोग जाके थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। यार आज ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि कब क्या होता है, और आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा कि यार एमबीबीएस में लाइफ सच में इतना हैक्टिक होता है। लोग बोलते हैं यार एमबीबीएस में बस चले जाओ, एकदम मस्त है, लाइफ सेट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारी चीज़ क्लैरिटी मैं आज आपको दूंगा, और यार बहुत बढ़िया सा ब्लॉग बनाएंगे। मैंने ऐसे ब्लॉग कभी बनाया नहीं है, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। यार फाइनली हम कैसे कैसे करके भाग भाग के पीछे की दरवाज़ा से हम क्लास में पहुंच गए थे, और सर आज मेटल स्टेनोसिस पढ़ा रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीवीएस का। मेटल स्टेनोसिस एक सीवियर डिजीज है सीवीएस का, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हार्ट का वाल्व होता है ना वो नैरो हो जाता है, तो ब्लड फ्लो रुक जाता है। ये बहुत ही सीवियर डिजीज़ है, ये पढ़ना मुझे बहुत जरूरी है। यार हम हमेशा जो भी चीज़ें क्लास में पढ़ाया था उसका क्लास नोट्स बना लेते हैं, क्लास नोट्स हमें हेल्प करता है रिवीजन करने में, और हमें आइडिया होता है कि आज हमें क्लास में क्या चीज़ें पढ़ाया गया, इससे हमें बहुत हेल्प हो जाता है। और जो चीज़ हमें समझ में नहीं आता है वो चीज़ हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ लेते हैं। बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म का लॉन्च हुआ था, मनीपाल मेड एस। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको नीट, पीजी, आईएनआईसीटी, एफएमजी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवाया जाता है, और इसमें बहुत सारा अमेजिंग फीचर्स भी है जो कि मेडिकल साइंस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आसान बनाता है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक लर्न फॉर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, और दूसरा एक टेस्ट प्रेप वाला सेक्शन। धीरे धीरे करके मैं आपको सारे चीज़ें बताता हूँ। यार फाइनली हमारा मॉर्निंग का मेडिसिन का क्लास ख़त्म हो गया। अभी हम क्लास के बाद जाएंगे यहाँ से लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में जाने के बाद हम थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करेंगे, और उसके बाद वहाँ से हमारा होगा दूसरा क्लास जो कि होगा क्लिनिकल पोस्टिंग। तो चलते हैं। तो यार फाइनली अभी हम लाइब्रेरी आ चुके हैं, हमारा सुबह का पहला क्लास ख़त्म हो गया है, लेकिन हमें बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिला था, तो ब्रेक में ही हम लाइब्रेरी आ गए। यहाँ पे हम एक घंटे का सेल्फ स्टडी करेंगे, और आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक बोतल रख रखा है स्प्राइट का। ऐसा मैं इसलिए रखा है ना, क्योंकि यहाँ पे हम जब पढ़ाई करते हैं ना हम खुद को एक रिवॉर्ड सिस्टम भी देते हैं। मतलब अगर मैंने एक पेज पढ़ लिया, अगर मैंने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, या फिर कुछ एक टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिया, तो खुद को एक घूंट के तौर पे स्प्राइट देते हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कॉन्सनट्रेट करने में, या फिर एक टाइम ड्यूरेशन को इफेक्टिवली यूज़ करने में। यार यहाँ पे अभी हम सर्जरी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है मेमोरी ग्लैंड, मतलब ब्रेस्ट। लिटरली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे होंगे, हम यहाँ पे म्यूज़िक भी यूज़ करते रहते हैं। आप मेरे कान में एक ईयरफोन देखा होगा, क्योंकि स्टडी म्यूज़िक एक ऐसा म्यूज़िक होता है जो आपको कॉन्सनट्रेट करने में बहुत मदद करता है। यार ये सारे टॉपिक्स मैंने अभी कम्प्लीट करा है यहाँ से, एक बुक से, जो सबसे अच्छा बुक है, टेक्स्ट बुक है, तो बहुत अच्छा बुक है ये, है ना। तो यहाँ से मैंने अभी कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो यार जब तक हम लिम्फेटिक ड्रेनेज कंप्लीट करते हैं, मैं आपको मनीपाल मेडिस एप्लीकेशन के बारे में और डिटेल बता रहा हूँ। यहाँ पे एक फीचर मिलता है आपको डिसेक्शन लैब का। इसमें क्या है कि आपको रियल कैडेवरिक वीडियोस मिलता है, जो कि हम कॉलेज में सीख नहीं पाते, और वहाँ से आप डिसेक्शन सीख सकते हो। यहाँ पे आपको 100+ डिसेक्शन वीडियोज़ मिलते हैं,
दूसरा फीचर मैं बता रहा हूँ लाइव ट्यूटोरियल्स एंड डाउट सॉल्विंग का। इसमें क्या है ना कि आप टीचर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे लाइव क्लासेस में, और आप अपना इमीडिएटली डाउट भी पूछ सकते हो, और हर मंथ में आपका 5+ लाइव क्लासेस भी होंगे। और एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि एक डॉक्टर को चाहिए वो है कि पेशेंट के साथ जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो क्लिनिकल सीखना उन्हें बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या है कि आप क्लिनिकल और थ्योरी को रिलेट करके वीडियो के फॉर्म में सीख सकते हो, और यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में दिया गया है। इसमें हमारे क्लिनिकल स्किल्स डेवलप होंगे और साथ में पेशेंट के साथ हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे वो स्किल भी डेवलप होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बढ़िया फीचर मुझे लगा, एक 3D मॉड्यूल इसमें होता है। ये चीज़ हमें ह्यूमन एनाटॉमी समझने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन कहाँ है, कैसे है, ये विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट 3D डायग्राम से ये चीज़ और आसान हो जाता है। और यही नहीं, साथ में आप अपना खुद का स्टडी प्लान बना सकते हो चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वो फीचर भी यहाँ पे आपके पास है। आप अपना चैप्टर सेलेक्ट कर लो, फिर अपना पर्सनलाइज स्टडी प्लान बना सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे दिखा है वो हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलता है, जिसमें कि आपको इमेजेस, टेबल्स, निमोनिक्स, PYQs सब कुछ मिलते हैं। और यार अगर आप INACT का प्रिपरेशन कर रहे हो, NEET PG का प्रिपरेशन कर रहे हो, FMG का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई सब कुछ MCQ वाला है, तो आपको MCQ सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी दिया गया है, जहाँ पे आपको टोटल 21 सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं, और ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। सो ये एप्लीकेशन मुझे रियली बहुत अच्छा लगा, तो आप भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और हाँ, अगर आप इसको अभी परचेज करते हो तो आपको 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, APRON1। यार फाइनली मेरा यहाँ पे सर्जरी का मैंने बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ा, जब तक मैंने आपको मणिपाल मेडिस के बारे में बताया मैंने बहुत सारा टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये ट्रीटमेंट पढ़ा है, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिया है, और ये क्लासिफिकेशन भी मैंने पढ़ लिया, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने पढ़ा है वो है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे ये बुक से कंप्लीट करा है। ये बुक बहुत अच्छा बुक है मेरे लिए। तो यार फाइनली हम लोग आ गए हैं आज का दूसरा क्लास करने के लिए, जो कि सर्जरी में हमारे क्लिनिकल पोस्टिंग लगा है। ये हमारा सर्जरी बिल्डिंग, तो हम इसके पास आ गए हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको सर्जरी के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आपको पता होगा कि MBBS के नाम में भी सर्जरी है। सर्जरी एक ऐसा ब्रांच है ना मेडिकल साइंस का, जिसमें आप हमेशा ब्लड से ही हाथ धोगे। लेकिन यार आज हमें बोला गया था सिर्फ हिस्ट्री लेने के लिए, तो मैं एक बच्चे का, एक छोटा सा बच्चा था उसका मैं हिस्ट्री लेने के लिए गया, क्लिनिकल थोड़ा सा एग्जामिनेशन वगैरह करा, एस्कल्टेशन मेथड करा, आपको पता होगा इसके बारे में। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लास था, तो यार उसके लिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकल के अपना नेक्स्ट क्लास को चला गया। लेकिन यार भूख बहुत तेज़ी में लगी थी मुझे, तो नेक्स्ट क्लास से मैं जाने से पहले मैं अपना हॉस्टल आया था, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मुझे मिला जो कि हमारा टिफ़िन लेके आया था, तो यार खाना तो बनता है ना, तो आज मुझे खाने में ये नॉनवेज मिला था। तो यार एक घंटे का लंच ब्रेक होने के बाद हमारा दूसरा क्लास शेड्यूल था, वो भी हमारा हॉस्पिटल में था, क्लिनिकल पोस्टिंग मेडिसिन डिपार्टमेंट में। मेडिसिन डिपार्टमेंट यार एस्कल्टेशन हम लोग करते हैं, तो खुद का हार्ट साउंड तो ज़रूर सुनते हैं, आप भी करे ही होंगे बहुत बार। लेकिन यहाँ पे हम लोग को खड़ा भी बहुत देर तक रहना होता है, थक जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होने लगता है यार, बहुत लंबे समय तक यहाँ पे रहते हैं हम लोग। खैर क्लिनिकल पोस्टिंग ख़त्म होने के बाद अभी हमें यहाँ से दो क्लास और करना है, जो कि होगा हमारा लेक्चर हॉल में SGD होगा और स्मॉल ग्रुप ट्यूटोरियल्स होगा, चलते हैं वहाँ पे अभी हम। आप बहुत मेहनत करके क्लास आओ, मतलब दूर से धूप में भाग भाग के क्लास आ रहे हो, और क्लास आने के बाद आपको ये पता चले कि आज क्लास नहीं है। वैसा ही कुछ आज भी हुआ था कि आज जैसे हम लोग क्लास में आए, तो क्लास में आते ही पता चला कि आज हमारा क्लास नहीं है, तो सब लोग तारा उबरी करके अटेंडेंस दे दिए। और अटेंडेंस देने के बाद खैर अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ्री हो गए थे, आज थोड़ा कम क्लास हुआ। लेकिन यार फ्री तो नहीं है, एज ए MBBS स्टूडेंट बहुत कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है। तो हाँ, कल हमारे कॉलेज में एक फेस्ट होने वाला है, वो है डांडिया नाइट का। तो यार उसके लिए हमें कुछ ड्रेसेस खरीदना था, तो मैं बाहर गया मार्केट में, और वहाँ से मैंने अपने लिए खुद के लिए कुर्ता खरीदा। तो यार आप भी ये देखना ये कुर्ता मेरे पे कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि भैया कैसे लग रही है इस ग्रीन कुर्ते में। तो कुर्ता खरीदने के बाद मैंने ये शूज़ भी ख़रीदा, शूज़ भी मेरे को चाहिए था क्योंकि नहीं था मेरे पास। तो यार मैंने काफ़ी सारा सामान खरीद लिया, और सामान खरीदने के बाद लास्ट में हम लोगों ने कुछ खाया पिया, और आज हमारे कॉलेज में था डांडिया नाइट, तो वो भी मैं आपको कुछ वीडियोज़ अभी दिखाऊँगा, तो ये देख सकते हो। कॉपीराइट इशूज़ की वजह से हम म्यूज़िक तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन स्टिल जो भी है आप इंजॉय कर सकते हो थोड़ा देर के लिए।
वैसे तो यार अभी रात के 3:30 बज गए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यू कैन सी यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं और मेरी एडिटिंग यहाँ पे अभी कंप्लीट हुई है। अभी नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम यही लगाएंगे कि मेरा वीडियो अब कंप्लीट हो गया। और आई थिंक आपने इस वीडियो को बहुत इन्जॉय करा होगा, आपने बहुत कुछ देखा सीखा, हम लोग का एक डेली रूटीन देख लिया कि एक फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट का डेली रूटीन क्या होता है। कुछ ऐसा ही रहता है हर रोज़ का, कभी कुछ ज़्यादा कभी कुछ कम, बस ऐसा ही रहता है। हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि मैंने बहुत कुछ नहीं भी दिखाया है कि मैंने इसके बाद भी लाइब्रेरी में गया 12 बजे तक लगभग लाइब्रेरी खुला रहता है हम लोग कॉलेज का, तो 12 बजे तक पढ़ाई करते ही हैं। हाँ, बीच में हम लोग मार्केट चले गए तो वो चीज़ मैंने आपको दिखा दिया, फिर मार्केट में आने के बाद डिनर करा, कुछ जो मैंने नहीं दिखाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाता यार। यही एक रॉ ब्लॉग था आपके लिए, हो सकता है कि आपने बहुत इन्जॉय करा होगा। ये एक ऑनेस्ट ब्लॉग था, है ना, ए ऑनेस्ट ब्लॉग ऑफ अ डे इन अ लाइफ ऑफ एन फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। ठीक है, इसमें बहुत कुछ और होता है, तो चलिए ठीक है, आपने इन्जॉय करा और आपने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ तक मुझे देखा सुना समझा। अब एक काम और कर लो, मेरी मेहनत को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यू कैन सी ना 3:30 बज रहे हैं और मैंने अभी एडिटिंग कंप्लीट करा है, प्लीज़ कर लेना। ठीक है, चल बाय बाय।